और दोस्तों कैसे हो। मैं कोस्तो बहन, आप देख रहे हो कोस्तो वाई फैन। कोस्तो वाई फाई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है मोटो जी 5G का एक फुल रिव्यू रहेगा। एंड इसमें रहेगा कैमरा टेस्ट, डिस्प्ले टेस्ट, बैटरी टेस्ट, ये सब कुछ इस वीडियो में एक फुल पैकेज रहेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। अगर आप ये मोबाइल खरीदना चाहते हो तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो वहां से आप खरीद सकते हो। दोस्तों अगर इस मोबाइल को आप खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिलेगा। ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों इस मोबाइल का मैंने अनबॉक्सिंग भी बनाया हूँ, तो वो अगर देखना चाहते हो तो ऊपर में यहाँ पे आई बटन में वो वीडियो पूरा मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके देख सकते हो। सो गाइस, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 7 दिन यूज़ करने के बाद इस वीडियो को फिर से मैं बनाऊंगा, एक फुल रिव्यू वीडियो रहेगा, तो इसलिए मैं इस वीडियो को फिर से बना रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसके ऊपर में। तो यहाँ पे आप पीछे में एक फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलेगा जो बहुत ही अच्छा है। एंड इसका जो स्पीड है बहुत ही फास्ट है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसको हम जस्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत ही फास्ट है ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है, बहुत ही फास्ट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो इसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छा है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे में। तो इसके फास्ट हम बात कर लेते हैं गेमिंग के ऊपर में। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे एस्पर्ट 9 है एंड कॉल ऑफ ड्यूटी है। तो फर्स्ट हम कॉल ऑफ ड्यूटी को ओपन करेंगे। तो जस्ट हम कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन कर लेते हैं। तो इसका जो ऐप्स ओपनिंग टाइम है वो बहुत ही लेस है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कितना जो स्मूथ जो गेम है वो लोड हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉगिंग करने के लिए बोल रहा है, तो हम गेस्ट अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको लॉगिंग कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लोड हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम सेटिंग में गए हैं एंड उसके बाद यहाँ पे जो भी दिखा रहा है उसको हम फॉलो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे ये जो सेटिंग है सब कुछ यहाँ पे आप देख पा रहे हो। यहाँ पे जो ग्राफिक्स है यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूरा हाई कर दिया हूँ मैंने। एंड यहाँ पे जो सेटिंग है मतलब फ्रेम रेट है उसको भी हम मैक्स कर देंगे एंड इसको हम पूरा हाई कर देंगे। उसके बाद इसको हम जस्ट बैक करेंगे एंड प्ले करेंगे गेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लेयर गेम एक स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो गेम मैच हो रहा है। तो जल्द से जल्द गेम स्टार्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो गेम स्टार्ट हो चुका है एंड पूरा हाई फ्रेम रेट एंड हाई ग्राफिक्स में चल रहा है गेम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैं उतना अच्छा गेम नहीं खेल पाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो मैंने नहीं मारा हूँ। मार 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 दिया मेरे को। तो यहाँ पे फिर से रिलोड हो चुका है। तो यहाँ से जाएंगे, मार दिया। मार दिया। तो ऐसे ही चलता है जो कॉल ऑफ ड्यूटी गेम है, ऐसे ही इस फोन में बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही स्मूथ चल रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट गेम हम चलाएंगे एस्फल्ट 9। तो यहाँ पे एस्फल्ट 9 भी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरा पिक्चर भी आ रहा है डिस्प्ले में। तो यहाँ पे एस्फल्ट 9 जो गेम है वो लोड हो रहा है।
अब इसका जो साउंड क्वालिटी है यहाँ पे आप सुन पा रहे हो, इस मोबाइल से ही चल रहा है अभी। तो देख पा रहे हो कैसे जो गेम है वो चल रहा है इस फोन में, बहुत ही अच्छा है। अभी टेस्ट ड्राइव चल रहा है, ठीक है, गेम को फर्स्ट मैंने इंस्टॉल किया तो इस तरफ से हम जाएंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन दे रहा है, स्वाइप राइट, जावे, और कितना देर लेट करेगा, चल भाई चल। तो इसके बाद हम टेस्ट करेंगे इसका जो डिस्प्ले है। तो डिस्प्ले टेस्ट करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट हम यूट्यूब को ओपन करेंगे एंड एक 4K वीडियो चलाएंगे। तो फर्स्ट हम इसका एक 4K वीडियो हम ओपन कर लेते हैं एंड फर्स्टली हम जो साउंड उसको म्यूट कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक फुल HD 4K जो वीडियो है उसको मैंने प्ले कर दिया। दोस्तों ये अभी फ़िलहाल फुल HD में चल रहा है क्योंकि इस डिस्प्ले में 4K सपोर्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका जो पिक्चर क्वालिटी है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैसा है इसका जो पिक्चर क्वालिटी है। तो जस्ट आप इमेजिन कर सकते हो इसका जो पिक्चर क्वालिटी कैसा है। तो मेरा कैमरे से कैसा कैप्चर हो रहा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन दोस्तों इसका जो एक्चुअल जो डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है। इस डिवाइस में अभी फ़िलहाल सुपर एमोलेड तो नहीं दिया गया है, लेकिन इस डिवाइस में जो IPS डिस्प्ले है HDR10 को सपोर्ट करता है, इसलिए इसका जो ब्लैकिश जो टोन है डिस्प्ले का बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो ब्लैक टोन है कैसे दिख रहा है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा है। पीछे में जो मेरा लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है डिस्प्ले, तो मैं जस्ट लाइट को ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने लाइट को पूरा ऑफ कर दिया, तो इसका पिक्चर क्वालिटी आपको पता चल जाएगा कैसा है। तो डिस्प्ले में ओवरऑल इसमें 10th में इसको मैं 8 दूंगा क्योंकि इसमें सुपर एमोलेड रहता तो बहुत ही अच्छा होता। तो इसके बाद हम टेस्ट करेंगे कैमरा टेस्ट। तो कैमरा टेस्ट के लिए वीडियो को थोड़ा बंद कर देते हैं। तो दोस्तों कैमरा टेस्ट के लिए यहाँ पे मैंने कैमरा ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कैमरा का क्वालिटी कैसा है। तो इसका हम सैम्पल एक हम आपको वीडियो के थ्रू दे देंगे, तो इसको भी हमने कैप्चर कर लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे जो मैक्रो कैमरा है उसको पर भी हम बात कर लेते हैं। तो मैक्रो कैमरा के लिए हम एक शॉट ले लेते हैं। तो मैक्रो कैमरा के लिए भी हमने एक शॉट ले लिया है। तो उसके बाद हम सेल्फी कैमरा ओपन कर लेते हैं, सेल्फी में कैसा पिक्चर आ रहा है तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेल्फी में भी हम इंडोर में शूट किया हूँ। तो उसके बाद जो आउटडोर कैमरा है वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों आउटडोर पिक्चर क्वालिटी के लिए यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख पा रहे हो कि आउटडोर में जो अल्ट्रा वाइड एंगल जो कैमरा लेंस से जो खींचा गया है जो पिक्चर है वो कैसा है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो HDR है बहुत ही अच्छा तरीके से काम किया है, जो सनलाइट है उसको भी अच्छा तरीके से कैप्चर किया है। तो इसलिए इस मोबाइल में जो कैमरा दिया गया है 48 मेगापिक्सल बहुत ही अच्छा है। तो कैमरा के मामला में ये मोबाइल बहुत ही अच्छा पिक्चर क्वालिटी देता है। एंड दोस्तों अगर बात करें पोर्ट्रेट फोटो के लिए, तो यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख पा रहे हो पोर्ट्रेट जो फोटो है कैसा देख पा रहे हो आप। तो ओवरऑल कैमरा जो है बहुत ही अच्छा है। तो उसके बाद दोस्तों आते हैं जो एप्स ओपनिंग टाइम है बहुत ही लेस है, तो मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये मोबाइल आप खरीद सकते हो, मैं आपको ऑब्वियसली आपको रिकमेंड करूँगा। तो आप अगर लेते हो तो आप नीचे में कमेंट में लिखिए कि आपने मोबाइल लिया है कि नहीं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। तो उसके बाद अगर इसका 5G के ऊपर बात करें, तो यहाँ पर जो भी बैंड जो दे रहा है मोटोरोला ने तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो बैंड दे रहा है अगर उसमें से कोई भी बैंड 5G को सपोर्ट करता है इंडिया में
तो आपको 5G का नेटवर्क आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों बहुत सारे जो कंपनी है वो 5G का जो बैंड है वो ज़्यादा नहीं दे रहा है, क्योंकि जो 5G है वो बैंड के ऊपर ही काम करता है। अगर वो बैंड कोई भी इंडियन कंपनी जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, अगर वो बैंड सपोर्ट ही नहीं करता है तो उस टाइम 5G का जो डिवाइस है वो कोई भी काम का नहीं है। तो इसलिए जो मोटोरोला का जो डिवाइस अभी फिलहाल चल रहा है 21,000 में ये डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट या अमेजोन में। तो दोस्तों मैंने जो इस डिवाइस को लिया हूँ तो 18,000 में मुझको मिल गया है। दोस्तों ओवरऑल इस मोबाइल का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छा है, मैं 7 दिन तक इसको यूज़ किया हूँ। एंड दोस्तों अगर इसका बैटरी के ऊपर बात करें तो बैटरी भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि दोस्तों इस मोबाइल में मैंने फुल डे गेम खेला हूँ, वीडियो देखा हुआ है, उसके बाद भी मुझे 1.5 दिन तक चार्ज मिल रहा था, 1.5 दिन तक बैकअप मिल रहा था। इसलिए मैं इस मोबाइल को आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया मोबाइल है। लेकिन दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम है, इस मोबाइल का जो थिकनेस है बहुत ही मोटा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितना मोटा है। लेकिन दोस्तों इसका जो वेट है बहुत ही लेस है, पोको मोबाइल के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो उससे बहुत ही लेस है, जो थिकनेस है उससे बहुत ही लेस है। तो इसमें जो नॉइस कैंसिलेशन माइक है वो भी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप कोई भी वीडियो करना चाहते हो, कोई भी कॉल करने के टाइम, कोई भी वीडियो मीटिंग करने के टाइम अगर बैकग्राउंड नॉइस नहीं चाहिए तो ये कैंसिल कर देता है। लेकिन दोस्तों इस मोबाइल में एक दिक्कत है, अगर आप जिस टाइम मोबाइल कान में देके बात करते हो तो उस टाइम बैकग्राउंड में जो नॉइस आता है वो उसको कैप्चर कर लेता है। मतलब जिस टाइम आप ऐसे करके आप किसी से बात करते हो, अगर फ़ोन इतना दूर तक जाता है तो आपका जो वॉइस है उसका जो लेवल है वो घट जाता है। लेकिन दोस्तों आप दूसरे मोबाइल से कंपेयर करेंगे तो वो मोबाइल आप अगर लाउड स्पीकर से भी बात करते हैं ना, इतना दूर से वो जो वॉइस है उसको कैप्चर कर पाता है। लेकिन जो मोटो जी 5G मोबाइल है उसमें एक प्रॉब्लम है, जो माइक्रोफोन का जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ही कम है, तो ये मुझे खराब लगा है। लेकिन दोस्तों और भी कुछ खराब नहीं है इस मोबाइल का। आप अगर चाहते हो कि क्वाड कैमरा सेटअप तो इस मोबाइल में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, इसमें सिर्फ ट्रिपल कैमरा सेटअप ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसका जो कैमरा का जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है, ख़राब नहीं है। तो अगर आप डे लाइट में शूट करते हो तो अच्छा ही क्वालिटी मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप अगर इसको नाइट मोड में कैप्चर करेंगे कोई भी फोटो तो उस टाइम आपको नाइट विजन का एक फीचर्स आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों इसका जो नाइट मोड में जो फोटो है वो उतना अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल जो मैं उसको रेटिंग जो दूंगा तो वो 100 में इसको 82 दे दूंगा, क्योंकि इस मोबाइल का जो बिल्ड क्वालिटी है इतना ख़राब भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इस मोबाइल में जो बॉडी है वो पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन दोस्तों इस साइड में जो है ये मुझे पता नहीं है कि ये मेटल है कि प्लास्टिक है, लेकिन मुझे जो लगता है शायद मेटल हो सकता है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा है, आपको मैं सजेस्ट करूंगा इस लेने के लिए। तो आज के लिए यही है, अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो अभी का भी लाइक कर दो, एंड आप मेरे चैनल में न्यू है तो अभी का भी सब्सक्राइब कर लो, एंड नीचे में जो घंटी वाला बटन है उसको पर क्लिक करके ऑल कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास ही पहुँच जाएगा। तो आज के लिए यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।